सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरुद्ध में समूचे देश की सभी बैंकों के द्वारा 15 मार्च से 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बैंक के सभी कामकाज ठप हैं। ऐसे में आम जनमानस को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से व्यापारियों को लेन देन में खास दिक्कत आ रही है। वहीं पर आज अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज के बैंक ऑफ बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक की मुख्य शाखा पर हाथों में स्लोगन लिखे हुए तख्ती लेकर बैठे बैंक कर्मचारियों का कहना है कि भारत सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण के द्वारा में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि सरकार निजीकरण का बिल वापस ले, जिससे हम लोग देश की गरीब जनता को जो सेवाएं दे रहे हैं, जीरो बैलेंस पर खाता खोलते हैं, सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि यह निजीकरण हो जाएगा तो जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको बैंकों में खाता रखना मुश्किल हो जाएगा। यह 2 दिवसीय हड़ताल अभी भारत सरकार के लिए चेतावनी है। अगर इसके बावजूद सरकार ने हम लोगों की बातें नहीं मानी तो हम लोग मजबूर अनिश्चित काल हड़ताल पर चले जाएंगे और सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यह तब तक करेंगे जब तक सरकार निजीकरण का बिल वापस नहीं ले लेती। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या नाम है आपका, क्या पोस्ट है आपकी? धर्मेंद्र सिंह, एम्प्लॉय यूनियन अध्यक्ष अमेठी। ये किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? ये भारत सरकार जो निजीकरण कर रही है सारी बैंकों का, उसी के विरोध में कि सरकार अपना निजीकरण का बिल वापस ले, जिससे जो है जो देश की गरीब जनता को जो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो ग्रामीण बैंक जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके लिए बैंक में खाता रखना मुश्किल हो जाएगा। तो निजीकरण के खिलाफ हम लोग जो है धरना दे रहे हैं 2 दिवसीय। आप लोगों की अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? ये भारत सरकार के लिए चेतावनी है 2 दिवसीय हड़ताल, अगर सरकार नहीं जागी 2 दिवसीय हड़ताल के बाद तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पूरे देश में जितनी भी बैंकें हैं, सारी सरकारी बैंकें, ग्रामीण बैंक, हम लोग सब लोग मिलकर सड़क पर प्रदर्शन